नमस्कार, स्वागत है आपका भास्कर वीडियो न्यूज में और आपके साथ मैं हूं कर्णिका। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की। प्रधानमंत्री बुधवार को दो दिन के दौरे पर व्लादिवोस्तोक पहुंचे। यहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दोनों ही देश आंतरिक मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों में रक्षा, व्यापार और परमाणु क्षेत्र में कई करार हुए हैं। चेन्नई व्लादिवोस्तोक जलमार्ग पर सहमति बनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मोदी ने पुतिन को अगली एनुअल समिट में भारत आने का न्योता दिया। मारुति सुजुकी हरियाणा के गुरुग्राम और मानेसर प्लांट में 7 और 9 सितंबर को वाहनों का उत्पादन बंद रखेगी। यात्री वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट की वजह से यह फैसला किया गया है। कंपनी ने अगस्त में उत्पादन 33.99% और जुलाई में 25.15% घटाया था। मारुति के यात्री वाहनों की बिक्री अगस्त में 33.67% घटकर 110,214 यूनिट रह गई। पिछले साल अगस्त में 166,161 यात्री वाहन बिके थे। अगस्त में मारुति सभी तरह के वाहनों की कुल बिक्री 33% घटकर 106,413 यूनिट रह गई। मारुति सुजुकी देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है। वाहन बिक्री में इसका करीब 50% मार्केट शेयर है। पिछले महीने कंपनी ने बिक्री में कमी की वजह से 3,000 अस्थायी कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाए। कश्मीर के मौजूदा हालात पर लंदन में पाकिस्तानी मूल के नागरिकों ने मंगलवार को फिर हिंसक प्रदर्शन किया। पूरे ब्रिटेन से करीब 10,000 पाकिस्तानी मंगलवार को लंदन पहुंचे और वहां स्थित भारतीय उच्चायोग की इमारत पर अंडे, टमाटर, स्मोक बम और पत्थर फेंके। इस इमारत की खिड़कियों के कांच टूट गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 30 दिनों के बाद भी कश्मीर में लॉकडाउन है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 15 अगस्त को भी उच्चायोग में स्वतंत्रता दिवस मना रहे भारतीयों पर हमला किया गया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बुधवार को पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कर रहे लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इस पर सेना और पुलिस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आतंकियों का कबूलनामा जारी किया गया। आतंकियों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने उन्हें घुसपैठ और हमले की ट्रेनिंग दी है। सेना के लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने बताया कि 15 और आतंकी भारत में घुसपैठ और हमला करने की फिराक में है। इधर भारतीय सेना इसका माकूल जवाब दे रही है। अमेरिका में खेले जा रहे US ओपन में बुधवार को स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर क्वार्टर फाइनल में हार गए। वर्ल्ड नंबर 3 फेडरर को 78वीं रैंक के ग्रिगोर दिमित्रोव ने 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2 से हराया। वे पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे। वुमेन सिंगल्स में सेरेना विलियम्स चीन की वांग क्योंग को 6-1, 6-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। आज ही वरीयता प्राप्त सेरेना की इस टूर्नामेंट में यह 100वीं जीत है। दुनिया के रहने लायक शहरों में मुंबई और दिल्ली के हाल और बुरे हो गए हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में साल दिल्ली 6 अंक फिसलकर 118वें नंबर पर और मुंबई 2 अंकों की गिरावट के साथ 119वें नंबर पर पहुंच गया है। दिल्ली में एक साल में अपराध और वायु प्रदूषण बढ़ा है, इसकी रैंक में गिरावट की यही वजह है। 140 शहरों की सूची में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के 3-3 शहर हैं। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न 2, सिडनी 3 और एडिलेड 10वें नंबर पर है। ऑस्ट्रिया का वियना पहले नंबर पर है। सबसे बदतर हालात वाले निचले 10 शहरों में पाकिस्तान का कराची भी शामिल है। खबरों में फिलहाल इतना ही। भास्कर वीडियो न्यूज में हम कल फिर हाजिर होंगे रात 9 बजे। गुड बाय, गुड नाइट।